हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान मंदिर। आज आम आसेसमेंट रिलेटेड सबुठ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़िबा। टाइप्स ऑफ आसेसमेंट एवं आसेसमेंट ऑफ लर्निंग, आसेसमेंट फॉर लर्निंग एंड आसेसमेंट आज लर्निंग, ये सब विषय रे पूरा थरोली डिस्कशन करिबा। तेबे पूर्व क्लास रे आम पढ़ी सारीचे आसेसमेंट कहले कौन। यह सबु टीचिंग एग्जाम पई बहुत गुरुत्वपूर्ण टॉपिक अटे। आसेसमेंट रो दुईटी टाइप रही, गोटे होची फॉर्मेटिव आसेसमेंट एंड अन्यटी होची समेटिव आसेसमेंट। प्रथमे आमे बुझिबा फॉर्मेटिव आसेसमेंट कहले कौन। यह सबुबेले ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होइथाय। जेतेबेले क्लास रे पाठ पढ़ा होइथाय सेतेबेले फॉर्मेटिव आसेसमेंट करा जाय। फळरे टीचर स्टूडेंट्स कर वीकनेस को डायग्नोस करी पारंती, चिन्हट करी पारंती ओ शिक्षार्थीर आवश्यकता को नहीं ताको फीडबैक एंड रीइन्फोर्समेंट करी थांती। से ही अनुसारे रिमेडियल टीचिंग मध्य देई थांती। इथे पाई शिक्षक क्लास रे क्विज करी थांती, क्लास टेस्ट करी थांती बा प्रोजेक्ट टेस्ट रो सहाय्य नहीं थांती। रिमेडियल टीचिंग कौन ना शिक्षार्थी वीकनेस अनुजाई ताको सॉल्व करिवा पई टीचर एठारे रिमेडियल टीचिंग क्लास मध्य नहीं थांती। कोठारे ना फॉर्मेटिव आसेसमेंट रे मने रखंतु फॉर्मेटिव आसेसमेंट केतबेले हेथाय ना ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हे समय रे जेतबेले क्लास रे पढ़ा जाउथाय सेतबेले फॉर्मेटिव आसेसमेंट करा जाय। देन आमे बुझिबा समेटिव आसेसमेंट। समेटिव आसेसमेंट कौन। समेटिव आसेसमेंट कोनोसी कोर्स रो शेषरे होइथाय। कोर्स टी प्रस्तुत होइथिबा बेले जेउ ऑब्जेक्टिव्स को नेई प्रस्तुत होइथाय ताहा केते दूर फुलफिल होई पारिछि ताहा जानिबा निमन्ते समेटिव आसेसमेंट करा जाय। एठारे कोनोसी प्रकार रो फीडबैक दिया जाय नाही। एठारे आमको जणा जाय नाही जे शिक्षार्थीर केउठारे वीकनेस रही जायछि ओ केउ स्थानरे सुधारण आणिबा आवश्यक बा परिवर्तन आणिबा आवश्यक। तेणु एठारे फीडबैक दिया जाय नाही। एहा शिक्षार्थीर अचीवमेंट को दर्शाय थाय। किए ना समेटिव आसेसमेंट शिक्षार्थीर अचीवमेंट को दर्शाय थाय। कोनिसी कोर्स रे शिक्षार्थीर पास बा फेल को डिसाइड करिथाय। एठारे शिक्षार्थीर अचीवमेंट को निर्णित करा जायथाय। जेपरी कि सेमिस्टर टेस्ट, आनुअल टेस्ट, एंड टर्म टेस्ट, ये सबू गोटे गोटे समेटिव आसेसमेंट अटे। आउ किछि विषय रे डिस्कशन करिबा। फॉर्मेटिव आसेसमेंट कहा को सहाय्य करे एवं समेटिव आसेसमेंट कहा को सहाय्य करे। फॉर्मेटिव आसेसमेंट जेहेतु ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होइथाय इहा केवल टीचर ओ स्टूडेंट्स को पाई हेल्पफुल होइथाय। एमानंकु इंटरनल ऑडियंस बोली कुहा जाय। को मानंकु इंटरनल ऑडियंस बोली कुहा जाउची ना टीचर एंड स्टूडेंट्स को इंटरनल ऑडियंस बोली कुहा जाउची। देन समेटिव आसेसमेंट केउ मानंको पई हेल्पफुल होइथाय ना समेटिव आसेसमेंट टीचर, स्टूडेंट, प्रिंसिपल, पेरेंट्स, एक्सपर्ट्स ये समस्त हेल्पफुल होइथाय। एमानंकु एक्सटर्नल ऑडियंस बोली कुहा जाय। को मानंकु ना टीचर, स्टूडेंट, प्रिंसिपल, पेरेंट्स, एक्सपर्ट्स एमानंकु समेटिव आसेसमेंट रे कौन कुहा जाय ना एक्सटर्नल ऑडियंस बोली कुहा जाय। तेबे असंतु सबुठारु इम्पोर्टेंट टॉपिक को एबे डिस्कशन करिबा। प्रथमे आमे पढ़िबा आसेसमेंट फॉर लर्निंग। एहा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सह होइथाय। किए ना आसेसमेंट फॉर लर्निंग ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एहा होइथाय। एथिरे फीडबैक मिले, डायग्नोस्टिक टेस्ट हुए एवं रिमेडियल टीचिंग मध्य होइथाय। तेणु एहा रिलेटेड टू फॉर्मेटिव आसेसमेंट। तेणु मने रखंतु आसेसमेंट फॉर लर्निंग केते बड़े हुए ना ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हुए एवं एहा कहा सहित रिलेटेड ना फॉर्मेटिव आसेसमेंट सहित रिलेटेड। सेकेंड वन इज आसेसमेंट ऑफ लर्निंग। एहा शिक्षार्थीर अचीवमेंट को दर्शाई थाए।
एहा पास एंड फेल को निर्णय करिथाय। एथिरे शिक्षार्थी कौन शिखी सारी तार आकलन करा जाए। एठारे फीडबैक दिया जाए नहीं, एठारे कौनसी प्रकार रिमेडियल मध्य दिया जाए नहीं। एहा समेटिव आसेसमेंट सहित जड़ित। एक कोर्स सरिला परे जेउ आसेसमेंट होइथाय ताकू आसेसमेंट ऑफ लर्निंग कुआ जाए। आसेसमेंट ऑफ लर्निंग कहा सहित जड़ित ना समेटिव आसेसमेंट सहित जड़ित। गोटे कोर्स रो एंड रे आसेसमेंट ऑफ लर्निंग होइथाय। थर्ड को जिबा जहाँ कि बहुत इम्पोर्टेंट आसेसमेंट आज लर्निंग। एथिरे शिक्षार्थी को निजे निजर प्रोग्रेस को चिन्हट करबा को पड़े। एहा को आपण सेल्फ आसेसमेंट बोली मध्य कही परिबे। किपर से माने सेल्फ आसेसमेंट करिबे ना पियर ग्रुप डिस्कशन करी सांग मानक सह कोनोसी विषय रे डिस्कशन करी आसेस करंती। ता व्यतीत निजे विभिन्न क्वेश्चन रो आंसर करी मध्य आमे निजर एबिलिटी को निजे आसेस करी थांती। एठारे बाहरु केही टीचर बा एक्सपर्ट आम को आसेस करती नाही। आमे निजे आम निजर कैपेसिटी आमर अग्रगति को आसेस करी थांती। यहाँ को आसेसमेंट आज लर्निंग बोली कुहा जाए। जोठारे कि आमे निजे आम निजर प्रोग्रेस को कौन करी थांती ना आसेस करी थांती ताकु आसेसमेंट आज लर्निंग बोली कुहा जाए। यही सब पार्ट रु सबुबले क्वेश्चन आसी थाए। आपण जदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिबे ताहले कंपलसरी ए पार्ट रु क्वेश्चन आसी थिबो। तेणु भल भाबरे आपण माने यार नोट कर दियंतु, भलरे बुझंतु ओ एही टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन करंतु। एथि सहित सबु थ्योरी क्लास सरिला परे मु मध्य विभिन्न क्वेश्चन नै आसीबी। आमे ताको पुंखानुपुंख भाबरे डिस्कशन करिबा। न्यू वीडियो रो अपडेट पाई ज्ञान मंदिर को सब्सक्राइब करंतु। क्लास भल लागुथिले शेयर करंतु, लाइक करंतु। समस्ते खुशी रे रुहंतु, भल रे थांतु। थैंक यू।